अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का रैला उमड़ रहा है, भारी संख्या लोगों की उमड़ रही है और वही चार धाम यात्रा पर मौसम की मार भी जा रही है। और इसी बीच यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले हाईवे की सेफ्टी वॉल धस गई है, जिसके करीब आपको बताएंगे 10,000 श्रद्धालु जिसमें फंसे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में यात्री और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही साथ इस यात्रा पर मौसम की मार भी पड़ रही है। इन सब के बीच यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले हाईवे की सेफ्टी वॉल धंसने से करीब 10,000 श्रद्धालु इसमें फंस गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सभी श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये मार्ग खुलने में लगभग 3 दिन लग सकते हैं। दरअसल हाईवे की सेफ्टी वॉल धंसने की वजह से आवागमन पूरी तरीके से ठप और प्रभावित है, जिसके चलते गाड़ियों के आवागमन पर सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से छोटी गाड़ियों को निकलने का काम शुरू है और गौरतलब है कि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और जगह जगह पर भूस्खलन के चलते यात्रा को रोका गया है और इसके साथ ही साथ चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की वजह से ये यात्रा का जो स्लॉट है वो फुल है और इसे लेकर अब रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो यमुनोत्री हाईवे पर जमीन धंसी है, सेफ्टी वॉल धंस गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हैं और कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। गाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ा है इसका और लगातार आपको बता रहे कि देखिए, एक तो कोविड काल के बाद तो जो लोगों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या है, वो चार धाम पर बढ़ी है और दूसरा यहाँ पर मौसम की मार भी लोग झेल रहे हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए चारधाम यात्रा में तो पहले ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो इतनी ज्यादा थी जिसके कहीं ना कहीं उम्मीद भी प्रशासन और सरकार ने नहीं की थी, लेकिन मौसम की मार भी इस बीच पड़ रही है और कहीं ना कहीं अब जो यमुनोत्री हाईवे पर जो सेफ्टी वॉल है वो धंसी है और इसमें लोग भी फंसे हुए हैं। अभी ताजा स्थिति क्या है, ताजा जो जमीनी स्थिति है वो क्या है? देखिए, बुधवार शाम को ये घटना यमुनोत्री मार्ग पे हुई थी। उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन की टीम जिस सड़क को खुलवाने की कड़ी में तभी से जुटी थी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा तमाम जो कोशिशें की गई सड़क को मरम्मत करने को लेके, हालांकि प्रशासन इस बात को लेके कहीं ना कहीं अब बेहतर तरीके से हमने देखा कि ये संचालन शुरू करा चुका है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उन्हें निकालने का कहीं ना कहीं काम किया गया। हमने ये देखा कि तकरीबन 4,000 से 5,000 के करीब जो लोग हैं उस दौरान फंसे थे, अगर हम बृहस्पतिवार की बात कर ले उस दौरान। और उसके बाद से जिस तरीके से छोटी छोटी गाड़ियों को निकालने का काम किया गया, लगातार यात्रा में लोगों के बढ़ने का जो काम है वो भी देखा गया कि यात्री लगातार बढ़ते चले गए। शुक्रवार के दिन और आज शनिवार के दिन का ही देख लें, यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ते चली गई और ऐसे में जो बड़ी गाड़ियाँ हैं यमुनोत्री मार्ग पर दोनों तरफ फंसी हुई हैं और संभावनाएँ ये भी हैं कि 1,000 के करीब जो बसें हैं, जो बड़ी बसें हैं वो फंसी पड़ी हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों से आई हुई हैं। और ऐसे में जो यात्री हैं, हमने ये भी देखा बृहस्पतिवार के दिन रात्रि के समय यात्रियों को बसों में ही कहीं ना कहीं रात्रि गुजारनी पड़ी थी और ऐसे में उसके बाद प्रशासन की टीम ने कहीं ना कहीं उनको जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रही थी। वर्तमान में जिस तरीके की स्थिति मौजूदा समय में देखने को मिल रही है कि अभी भी कुछ बड़ी बसें वहाँ फंसी पड़ी हैं, छोटे जो वाहन हैं उन्हें निकालने का काम प्रशासन की टीमों की तरफ से किया गया है, लेकिन अभी भी जरूरी है कि वैकल्पिक जो मार्ग वहां से कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं लोगों को निकालने के, उस पे काम चल रहा है।
भारी जो वाहन है, भारी जो बसें हैं, उन्हें अभी भी निकाला नहीं जा सकता है, अभी भी उसमें समय लगेगा। कितनी टीमें वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और किस तरीके से पूरा जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं और आप भी इस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं कि कई घंटों से जो वहां पर यात्री हैं वो फंसे हुए हैं, लंबा जाम है। ऐसे में खाने पीने की क्या किस तरीके से व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है, कितनी टीमें वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है? देखिए, एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी इन क्षेत्रों में लगाई गई है। हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले गए, उसके बाद पीएमओ ने इस बात का कहीं ना कहीं तलब किया, राज्य सरकार से रिपोर्ट सौंपी और उसके ठीक बाद ही एनडीआरएफ की टीम भी चार धाम क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया। अब जिस तरीके की स्थिति यमुनोत्री मार्ग में देखने को मिली है और ऐसे में यहाँ जो टीमें तैनात की गई हैं, स्थानीय जो प्रशासन है वो भी लगातार कहीं ना कहीं इस बात पे फोकस कर रहा है कि जो यात्री फंसे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रशासन लगातार इस बात पे जोर दे रहा है कि छोटे छोटे वाहनों को, यात्रियों को जो लंबे समय से फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके, क्योंकि दोनों तरफ जिस तरीके से यात्री फंसे थे उन्हें निकाला जा रहा था। तो छोटे वाहनों को तो निकाल दिया गया है, लेकिन जो बड़े वाहन हैं, बड़े बसें हैं विभिन्न राज्यों से जो आई हैं वो फंसी पड़ी हैं, वो फिलहाल अभी उन्हें वक्त लगेगा निकालने में। लगातार जो फीडबैक है हम मुख्यमंत्री अधिकारियों के जरिए ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ यात्री जो हैं वहाँ फंसे हैं, बड़ी बसें हैं अभी फंसी हैं, उन्हें सड़क के मरम्मत के बाद ही निकाला जा सकता है या फिर उन यात्रियों को छोटे वाहनों के जरिए निकाला जा सकता है। इस बात पे भी सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है। अर्धसैनिक बलों की भी टीमें, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि तमाम वो टीमें मौजूद हैं और यहाँ पर यात्रियों की व्यवस्थाओं के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, उनके भोजन की, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी लगातार उन तक पहुंचाई जा रही है। ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा।